नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। NH 133 के बदहाली को दुरुस्त कराने को लेकर एक युवक ने कराया बीच सड़क पर अपना मुंडन संस्कार। भागलपुर पीरपैती बाराहाट के प्रदर्शनकारी युवक रणविजय मिश्रा ने बताया था कि अगर इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो मैं इसी जगह आत्मदाह कर लूंगा। साथ ही उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब चुनाव की बारी आती है तो यहां के जितने भी स्थानीय नेता हैं वोट लेने के लिए आ जाते हैं। इसकी खबर मिलते ही महागावा विधायक दीपिका पांडे धरने पर बैठी और सांसद पर लगा डाले सारे आरोप। अपने समर्थकों के साथ सांसद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं भाजपा के युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष नीलेश कुमार और नीतीश कुमार उर्फ छोटे सरकार ने कहा कि विधायक दीपिका पांडे मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। सांसद के खिलाफ कांग्रेस के विधायक जितने भी हैं सभी दूसरे के लिए किए गए कार्य का श्रेय लेते हैं। सांसद के द्वारा आज से ही उस रोड के कार्य को शुरू कर दिया गया। पीरपैती से संवाददाता देवमुनि कुमार की रिपोर्ट। सरकार करा देगी, लेकिन यह सवाल मैं आपसे निवेदन करूंगी कि भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे से पूछिए कि NHAI के जो कॉन्ट्रैक्टर वो यहाँ कब काम शुरू करेंगे और कब पूरा। यहाँ के सांसद को कुछ कहना चाहिएगा? यहाँ पर दुकान खोला गया, इस पे पत्रकारी हमारे जो है मौत। देखिए, किसी भी समस्या में सिर्फ सरकार दोषी नहीं होती है जी। उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी होती है। जनप्रतिनिधि अगर आपके संवेदनशील ना हो तो परेशानी उस जगह की होती है। और जो स्थानीय लोग हैं वो अगर वहाँ की समस्या को समस्या के बारे में बता रहे हैं तो वो उसकी समस्या का कारण भी जानते हैं और उस समस्या के निदान में सहयोग भी कर सकते हैं। यहाँ जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो किसी की लापरवाही की वजह से हो, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी है, उन लोगों को भी दुरुस्त होने की जरूरत है। हमारे सांसद महोदय कितने संवेदनशील है महगामा के बातों को लेकर, वो आप सब लोगों के सामने है। यहाँ पर अगर कोई स्थानीय मामला है, कहीं अगर कोई रास्ता रोक रहा है पानी जाने का या नाले का, वो भी अब यहाँ लोग आ गए हैं। मुझे CM ऑफिस से आश्वासन मिला है इस बात का कि हम लोग राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं, फिर भी यहाँ के लोगों की समस्या के निदान के लिए जो जरूरी काम है उसको करवाएंगे और उसको जल्द से जल्द करेंगे। उसकी देखरेख जो है यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी और स्थानीय पदाधिकारी करेंगे। जो हम लोगों को निदान चाहिए मुझे लगता है इस वक्त मिलेगा। और जो NHAI के पदाधिकारी हैं उनकी एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग रांची में होगी और उनको निर्देश दिया जाएगा कि काम जल्द। मैडम एक नौ मैडम काम कर दिया गया, नाला टूट गया मैडम। क्या चीज ये नाला? अब आप यहाँ के लोगों से जरा पूछ लें कि उन्हें सड़क पर स्विमिंग पूल चाहिए कि अगर कोई नाला टूटा है तत्काल तो उसको रिपेयर करा के बाद में दे दिया जाएगा। मेहरबानी करके आप लोग हर बात में समस्या न ढूंढे, यहाँ के पब्लिक आपके आपके सवाल पर नाराज भी हो सकते हैं। मैम एक नौजुवक आके सर मुंडन करवाया, उसके बाद कार्य स्टार्ट किया गया, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। 3 महीने से जो हमारे मीडिया के साथी हैं या जो पत्रकार बंधु हैं वो रिपोर्ट लिखते रहे, महिलाएं साड़ी उठा करके जा रही हैं, बच्चे साइकिल से गिर रहे हैं, ऑटो पलट जा रहा है, एक्सीडेंट की घटना बार बार बताई जा रही है और हम लोग लगातार उस पर जो है उस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को बोल रहे हैं। यहाँ के लोग स्थानीय लोग आंदोलन भी शुरू किए। जन प्रतिनिधियों, मेरा काम नहीं है कि यहाँ आके नाले में बैठिए, लेकिन यहाँ के निदान के लिए हम लोग यहाँ बैठे, यहाँ के निदान के लिए बैठे और जल्द ये पूरा किया। इस कार्य को कब तक दुरुस्त कर दिया जाएगा मैडम?